हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि एक बैड न्यूज़ है सैमसंग के यूज़र्स के लिए। अब वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। वेल, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है इनका परचेज करने के लिए, वो होता है एड फ्री एक्सपीरियंस। एंड एंड्रॉयड में वन ऑफ द बेस्ट स्किन मानी जाती है सैमसंग के वन यूआई की, या फिर किसी की भी बात कर ले, चाहे हम बात करें सैमसंग एक्सपीरियंस होम की, चाहे हम बात करें सैमसंग टच विज होम की, जो काफ़ी मतलब लोग प्रिफर करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स को, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके यूआई यूज़र इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस होता है वो और बाकी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होता है। इसीलिए मेजर ऑफ द पीपल इसी डिवाइसेस को, सैमसंग के स्मार्टफोन्स को परचेज करना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर अगर ऐसे में सैमसंग अब यहाँ पर हमें इसके यूज़र इंटरफेस के अंदर एड देखने को मिले तो क्या होगा। मतलब अब जैसे है कि हर एक कोई ब्रांड, यहाँ तक कि रियलमी ने भी रिसेंटली अपने यूआई के अंदर एड्स को इंक्लूड कर दिया, जस्ट बिकॉज कंपनी जो है और ज़्यादा यहाँ पर अर्न करना चाहती है, उस वजह यहाँ पर वो एड को इंक्लूड कर रहे हैं। एंड वहाँ पर एक रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज वो जो स्पैक्स देते हैं अपने स्मार्टफोन्स के अंदर वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और वैल्यू फॉर मनी होते हैं जिस प्राइस पॉइंट पर वो डिवाइस को लॉन्च करते हैं। बट जो सैमसंग जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं वहाँ पर हमें इतने पावरफुल स्पैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट वहाँ पर हमें ब्रांड का सपोर्ट देखने को मिलता है। आफ्टर सेल सर्विस हमें काफ़ी बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन्स। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी यहाँ पर हमें सैमसंग काफ़ी बेटर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, क्योंकि वहाँ पर हमें कंटिन्यूसली सिक्योरिटी पैचेस अपडेट देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से सैमसंग अपने 2-2.5 साल पुराने स्मार्टफोन को सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड कराता है, उस तरीके से अदर ब्रांड्स अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को सिक्योरिटी पैचेस अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर सैमसंग काफ़ी आगे है। और इतना ही नहीं, सैमसंग के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सिक्योर फील होता है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर, इसीलिए काफ़ी सारे लोग सैमसंग के स्मार्टफोन्स को प्रेफर करते हैं। लाइक शाओमी के स्मार्टफोन्स में अभी रिसेंटली पता चला है कि वो पर्सनल डाटा चोरी कर रहे हैं, चाइना में दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का कुछ वहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई थी। एंड किसी ब्रांड पर इतना ट्रस्ट नहीं है जैसा सैमसंग पर है। सैमसंग काफ़ी ट्रस्टफुल ब्रांड है, काफ़ी पुरानी ब्रांड है, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें स्पेक्स इतने पावरफुल ना मिले, बट फिर भी अब जो मेजोरिटी है वो सैमसंग को प्रेफर करती है, जो सैमसंग के यूज़र्स हैं, सैमसंग के लवर्स हैं, वो सैमसंग को ही प्रेफर करते हैं। हालांकि उस प्राइस पॉइंट में भले ही हमें फ्लैगशिप हार्डवेयर मिला हो, बट जो सैमसंग के यूज़र्स हैं वो सैमसंग का ही स्मार्टफोन्स लेना पसंद करते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट होता है ना इंसान का कि भाई ये चीज़ हमारी कोई भी डाटा वगैरह चोरी नहीं करेगा अगर हम इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। और मेरे हिसाब से भी वो बेटर है कि अगर हमें इतना पावरफुल स्पेक्स नहीं मिल रहे और वहाँ पर हम सिक्योर फील करें तो वो बेटर है। और एक जगह पर हमें फ्लैगशिप हार्डवेयर मिल रहा है बट हमारा डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है, तो वो चीज़ बेकार है, तो ये चीज़ हो जाती है। बट ऐसे में अब यहाँ पर सैमसंग वन यूआई 2.5 के अंदर एड्स को लेकर के आने वाला है। अब एड जो है वो सभी स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एड किस तरीके के होंगे और किन किन स्मार्टफोन्स में होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एड किस तरीके के होंगे, क्या कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे एड्स। नॉर्मली हमें जो है एड सबसे ज़्यादा लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, यानी कि जो लॉक स्क्रीन होती है वहाँ पर हमें ऐड देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली एक फ़ोटो लीक होकर आई है, अभी ये डेवलपमेंट में, और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये लॉक स्क्रीन पे किसी तरीके का ऐड चल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 15-30 सेकेंड्स के जो ऐड होते हैं वहाँ पर उसे देखने के लिए फोर्स किया जाएगा, यानी कि हम उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, पहले हमें वो ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आगे तलक भी देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर होता है, हमने देखा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। और इसे टर्न ऑफ करने का ऑप्शन है या नहीं है इसका तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वन यूआई 2.1 के अंदर ये चीज़ आने वाली है। एंड अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। बट इसी के साथ में एक गुड न्यूज़ ये भी है, ये जो ऐड आएंगे ये सभी स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं आने वाले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सैमसंग के बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर आएंगे, और मैं भी शायद हाई मिड रेंज कैटेगरी में भी आए,
बट यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब ऐसा जाहिर सी बात है इसलिए है क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का जो यूज़र होगा उनने काफ़ी ज़्यादा पे करा होगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को परचेज करने के लिए, एंड वो चाहेगा कि उसे एड फ्री एक्सपीरियंस मिले, इसलिए वहाँ पर एड हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स होते हैं, जो मिड रेंज होते हैं, जो बजट स्मार्टफोन होते हैं, वहाँ पर हमें काफ़ी एड देखने को मिलने वाले हैं UI 2.1 के अंदर। एंड इसको अभी फिलहाल के लिए से मैंने आपको बताया टर्न ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं है, एंड ये अभी तो डेवलपमेंट में है। अब जब ये ऑफिशियली आता है तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। बाकी ये काफ़ी रॉन्ग मूव है बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर जितना सैमसंग चार्ज कर रहा है जिस स्पेक्स के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में अगर यहाँ पर हमें एड फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, एंड शायद से ये सैमसंग को काफ़ी नीचे लेकर के जाने वाला अगर ऐसा करता है। और अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर आप सभी से एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि UI 2.1 जब आता है तो उसको इंस्टॉल ना करें अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, एंड यही एक रास्ता हो सकता है। बिकॉज अगर आपको एड फ्री एक्सपीरियंस चाहिए अपने स्मार्टफोन के अंदर तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एंड अगर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, लेटेस्ट फीचर्स चाहिए तो फिर आप UI 2.1 में जा सकते हैं। और आप फिर एक रास्ता और बचता है कि आप उसके अंदर इंटरनेट यूज़ ना करें, जो कि मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई भी नहीं करेगा ये चीज़, तो फिर आपको ऐड ही देखने पड़ेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे इंपॉर्टेंट तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।